पसंद है ये नहीं आई थी। अरे नहीं तुम बाहर नहीं करते क्या गाड़ी से? आयत को हम याद है हम कौन है, कहाँ पे मेरा घर है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है और बारिश रेगुलर हमारे यहाँ हो रही है। आपको मालूम है मैं अपने गांव आई हुई हूँ और आप देख के ही समझ सकते हैं। तो मैं आपको आज कुछ हरियाली की विज़िट कराती हूँ और ये मेरा खेत है और खेत के पास में ही पहाड़ है। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा सीन होता है। ये खेत का एंड यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है और पहाड़ के बिल्कुल हम करीब हैं। और जब भी हम लोगों को टहलना होता है या हमारा दिल घबराता है तो हम इधर ठंडी हवाओं का मज़ा लेने आ जाते हैं। अब इधर भी धीरे धीरे आबादी बनने लगी है और गांव धीरे धीरे विकसित हो रहा है, पर फिर भी जो नेचर या जो आपको हरियाली या शुद्ध ऑक्सीजन जो इस तरह की जगहों पे मिल जाते हैं वो हमें शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जानवर भी फ्री है और इंसान भी फ्री है। आप देख सकते हैं इस साइड में आपको बहुत सारे जानवर दिख जाएंगे जो जंगल में खाते पीते और यहीं पे उनकी केयर भी हो जाती है, क्योंकि स्वच्छ भारत के अभियान के थ्रू अब किसी भी जगह पे किसी तरह की भी कोई गंदगी नहीं रहती है। तो लोग मॉर्निंग वॉक की तरह भी इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आज आपको यहीं तक दिखाऊंगी। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं पहाड़ और पहाड़ के ऊपर जो भी हमारे यहाँ फोर्ट है, किला है, उसकी विज़िट कराऊंगी। आप प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिए। चलिए मैं आपको पहाड़ के थोड़े और करीब ले चलती हूँ। और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, रास्ता लोगों ने बनाया है। आप छोटे छोटे पत्थरों को जो देख रहे हैं वो पहाड़ के कहीं ना कहीं अंश हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जब भी हेवी बारिश होती है तो पहाड़ से हमारे वाटरफॉल होते हैं, झरना गिरते हैं। जब भी पानी उसका फोर्स इतना तेज़ होता है कि उसके साथ पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े बह के आते हैं इस रास्ते से, और वो सारे छोटे छोटे पत्थर में तब्दील हो जाते हैं या फिर बड़े पत्थर में। बट कोई चट्टान की तरह नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा एक दूसरे से टकराते हुए और पानी के फोर्स के साथ आता है। आप इस तरह से ये कलरफुल आपको पत्थर यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको डेकोरेट के लिए प्यारे प्यारे पत्थर मिल जाएंगे। और लोग यहाँ से पत्थर को कलेक्ट करते हैं और इससे आप जो मकान बना, हमारे जो मकान बनते हैं उसमें ये सारे पत्थर इस्तेमाल होते हैं। और ये प्योर होने की वजह से हमारे घर को बहुत अच्छी मजबूती देते हैं और गरीब लोगों को अच्छा रोज़गार देते हैं। वो किसी मशीन के थ्रू नहीं, हाथ से हथौड़ी के थ्रू वो उसको तोड़ते हैं। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप मुझे अपने गांव की कुछ और चीज़ों को दिखाने के लिए अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। थैंक यू।